देखिए सेठ जी, हमने इलायची जी से पूछा कि वो दारू पी रही हैं, जुआ खेल रही हैं, ऐसा क्यों कर रही हैं, आप अपने माँ बाप का नाम क्यों बदनाम कर रही हैं। उन्होंने हमसे कहा कि वो अपने मम्मी पापा का झगड़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, बहुत परेशान हैं और इस बात से बहुत दुखी हैं। और सेठ जी, हमने उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश की कि ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गए और कहने लगे कि जब मैं पीती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मेरे मम्मी पापा का घर पर झगड़ा चल रहा है। सेठ जी, तब जाकर हम समझे कि सेठ जी की इज्जत हमारे गुर्दों से ज़्यादा कीमती है और हम पिएंगे। अगर हमें पीना पड़ा, हमारे सेठ जी के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। हमने पिया, हमने कहा कि ठीक है। हमने इलायची जी को कहा कि अगर आपको पीना ही है तो कम से कम घर में चल के पी लीजिए, ताकि किसी को पता तो ना चले, ये तो बाहर के लोग देखेंगे, अच्छा नहीं लगता, शर्म। बस इतनी सी बात थी सेठ जी। सेठ जी पंचम, तूने मेरे लिए दारू पीनी शुरू कर दी। ये ले, पापा को बोल इलायची ले। तूने अपने गुर्दों को दाव पे लगा दिया। जी सर जी, आपके लिए तो हम अपनी जान तक दे सकते। मैं इस बात के लिए ना तुझे बहुत बड़ा इनाम देना चाह रहा हूँ। छुट्टियाँ? ना ना, छुट्टी तो बड़ी मुश्किल है क्योंकि दुकान पे बहुत काम है। चल ठीक है, इसके बदले तू मेरे गले लग जा, आ जा। इलायची। अबे क्या काम है तुझे? ये बोतल इलायची ने मंगवाई थी। तू मेरी बेटी के लिए तू ये बोतल लेके आया है? तुम्हारा पापा ने? कोई बात नहीं, तेरी मेहनत सही नहीं जाएगी, ये ले बाय। तेरे गुर्दे तो ठीक है जी? चले तो ना? नहीं, देख ले, मुझे दिखा दे अपने गुर्दे। उठा खा लो, उठा खा लो। अरे अरे भैया, अरे क्या बुट्टा खा लो? मम्मी मर गई, मर गई, मर गई। मैं बुट्टा खाने आई हूं यहां पे। खड़े हो, खड़े हो। मैंने क्या किया? हिम्मत कैसे हुई पापा को थप्पड़ मारने की? पिंडुची आपकी, पिंडुची पापा को थप्पड़ मारने वाली सेल्फी। हां ले लो, ले लो, ले तो ना। मैं आपकी क्लास लूंगी, बता रही हूँ आपको, मैं बता रही हूँ। अरे सुनी, मैंने क्या किया? रुक जा पंडित जी, पंडित जी, मैं बता रही हूँ, पंडित जी। सुनिए सुनिए, मारो मारो मत। मैंने क्या किया? देखो मेरी कोई गलती ना है, आपके पापा ने जिद की तो मैंने मार दिया। अच्छा? हाँ अच्छा। हाँ हाँ, पापा तो बड़ा आपको कह रहे होंगे ना कि पिंटू जी बड़ा बोर हो रहा है, थप्पड़ मार दो एक मुझे, पता है हल्दी लगा कर आई हूँ पिंटू जी मैं उन्हें। अरे यार सुनीता जी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? सब गलती आपकी मम्मी की है, उनकी हरकतें ही बड़ी अजीबोगरीब थी। अब आपकी मम्मी की याद ताज़ा करने के चक्कर में आपके पापा की ठुकाई हो जाती, मैं क्या करूँ बताओ। अच्छा ठीक है, मान लिया मम्मी की यादें ताज़ा कर रहे थे आप, ठीक है। पर पिंटू जी, यादें ताज़ा करने में और कान की सीटी बजाने में ना बहुत फर्क होता है। हल्के से ही मारा था, हल्के से ही मारा था। लेकिन सुनीता जी, इस साड़ी के अंदर तो मर्द है ना, और जब मर्दाना हाथ जब किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। पता है कितनी बुरी तरह से मारा आपने उनका ना, अंदर का दांत टूट गया है, कुछ चबा नहीं पा रहे पापा। पता है रोटी और दाल का शेक बना के बुला कर आ रही हूँ मैं उनको। अरे सुनीता जी, ऊपर वाले का शुक्र है कि अंदर का टूटा, बाहर का कुछ ना टूटा, नहीं तो लोग ना आपको उनकी बेटी मानने से भी इनकार कर देते, कहते इस भद्दे आदमी की बेटी ये हो ही नहीं सकती। पिंटू जी, पापा को उल्टा सीधा बोलने वाली सेल्फी। हाँ ले लो, ले लो। और मैं ना कान खोल के बात कर लूं आपके और मेरी फॉरएवर वाली कट्टी, मुझे कॉल मत कर देना, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दी। अम्मी, अरे ये किसका, अरे बिट्टू का फोन। हेलो, हाँ बिट्टू, क्या तेरे दोनों गुर्दे फेल हो गए शराब पीने की वजह से? ओहो भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे गुर्दे क्या गए, घर भी जा, घर भी बिकने को तैयार है? अरे क्या कह रहा है, बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया क्योंकि तू शराब पीता है इसलिए? अरे बाप रे बाप,
पिताजी को भी हार्ट अटैक आ गया। अच्छा उन्होंने सुन लिया कि तू शराब पीता इसलिए। अरे रे रे, बहुत बुरी चीज होती है शराब बिट्टू, बहुत बुरी चीज होती है शराब। मैं क्या बताऊं, मतलब मैं अब तुझे आशीर्वाद भी तो ना दे सकता कि तू अपना ध्यान रखियो। अब तो अस्पताल वाले ही तेरा ध्यान रखेंगे। ओहो देखो बिट्टू, बिट्टू जो है ऐसा पहलवान जैसे शरीर वाला था, मुझे लग रहा है आप तो एकदम कंकाल हो गया होगा। अरे भैया ये शराब किसी की सगी ना होती है ना, शुरू में तो पीने में आता बहुत मजा और बाद में सजा। लेकिन मैंने सुना है कि एक गुर्दे से भी जिंदगी काटी जा सकती है, मतलब इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होती है। अरे शराब किस्तों में गुर्दे खराब ना करती है, एक बार दोनों गए तो आदमी क्या औरत लड़की भी चले जाते हैं। ओहो अरे ये आदमी क्या बताऊं, ओहो करके रह गई तू। अरे तू समझ देख कितनी बड़ी बात है, कड़वी चीज पीते हैं बताइए। ठीक है ना, अपना अपना स्वाद है यार, किसी को कड़वा कड़वा पसंद है। अरे कड़वा अच्छा लगता है तो फिर करेले का काढ़ा पी ले, ये शराब पीने की जरूरत क्या है। लेकिन बात तो आप सही कह रहे हो, मैं बताऊं ना तो मुझे तो खिंच चढ़ती है शराब से, मतलब छी। पापा लेकिन आप प्लीज ध्यान रखना यार, ये नशे वशों की जो लत होती है ना बहुत मुश्किल से छूटती है, सच बता रही हूँ मैं आपको, बता रही हूँ प्लीज। अरे मैं अपनी बात ना कर रहा हूँ। ओह अच्छा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि और तो कोई पीने वाला नहीं है हमारे घर में। कोई ना पिएगा ना। सवाल ही नहीं उठता, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आप कभी नहीं पियोगे। ओके पापा, ओके बाय। अरे समझ में आ रही, अब कह रही है जरा बहुत बुरी चीज होती है, कुछ समझ में ना आ रहा मेरे। दरोगा जी क्यों बुलाया हमें यहाँ, कुछ तो बताइए अपना। शेर जी मतलब क्या है ना, पिंकी जी को वैसे किसी के मामले में आते घुसने की आदत तो होना रखी, कन खजूरा कहीं का। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि खजूर खाने से ना खून बढ़ता है। हाँ खून तो बढ़ता, पर मंगीलाल इस वक्त ये बात बताने की कोई वैसे जरूरत हो ना रखी थी। अच्छा हाँ। सेठ जी ऐसा आपको ना भाभी जी की शिकायतों पर गौर करना चाहिए। बताए ये को करेगी शिकायत, गलती इसकी है, शिकायत तो मैं करूँगा। कायदे से तो बात आपकी बिल्कुल सही है। कायदे से बात बिल्कुल सही है, पहले आप सुन तो लीजिए गलती किसकी है, ऐसे ही आप फैसला सुना दोगे। कायदे से ये बात भी सही है। साहब जी आपको ना मैडम जी की बात सुननी चाहिए। हाँ ठीक है भाभी जी, आप बोलिए, आप बोलिए। अब मैं क्या बोलूं, मेरी तो बस एक ही शिकायत है, इलायची के पापा हाथ धो के मेरे भाई के पीछे पड़े रहे और बेटी हाथ से निकल गई। अरे मेरी बच्ची बदमाश थी, शरारती थी, पर जुआरी और बेवड़ी बिल्कुल ना थी, सब इनकी लापरवाही की वजह से हुआ। अड़ो और थड़ो मुरारी पे पड़ो, सारा ठीक रहा मेरे ऊपर फोड़ दे, तू ना रख सकती थी इलायची का ध्यान, बात कर रही है बेकार की। इलायची जी मजाक मजाक में ना मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर मोड़ पर आ गया है, हमें तो चिंता हो रही है यार। अरे मेरा मूड भी तो समझो, ठीक है चाट पकौड़ी खाने वाली लड़की ये जलावा भुट्टा खा रही है देख लो। कैसी बातें कर रही हैं आप इलायची जी, आपके मम्मी पापा के झगड़े का आपके भुट्टा खाने से क्या लेना देना यार। अरे अपना दिमाग ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, देखो ना क्या हो रहा है, एक तरफ मम्मी पापा के बीच की जो आग है वो बुझने में नहीं आ रही, और दूसरी तरफ ये कि मेरे अंदर आग लगे ही जा रही है कि हमारे सारे प्लान्स फेल हो रहे हैं। आप चिंता मत करिए इलायची जी, भगवान जरूर कोई ना कोई नया रास्ता दिखाएगा। अरे यार सारे रास्तों पे ना मुझे नो एंट्री का बोर्ड दिखाई दे रहा है। देखो ना अभी तक दोनों किसी से रूठे हुए बात नहीं कर रहे हैं, अब ना कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा तभी कुछ होगा, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं मेरी।
अरे इसके और इसके भाई के टंटे खत्म हो तब तो ध्यान रखते ये इलायची का। हाँ कायदे से तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अपना भाभी जी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए वैसे। अरे करुणा बिल्कुल सही है, ये मर्दों को ना एक जिम्मेदारी दो ना बिल्कुल ठीक से निभा नहीं पाते, कुछ काम के नहीं है। ये आदमी कुछ काम का नहीं है। तो कुछ ज्यादा कायदे ना बता दिया आज तो मतलब। देखिए ये सब ना आपकी बहानेबाजी है, घर की लड़की गलत रास्ते पर जाए और तो आप रोकोगे ना। अरे अरे छिंटू जी देखो आप समझदारी है, मतलब सेठ जी हो रखे आई एक अकेली जान, मतलब घर का भी संभाले फिर दुकान भी संभाले ये भी करे वो भी करे, ऐसा तो आपको पता नहीं है, मतलब हर आदमी पिंकी जी जितना टैलेंटेड ना होता ना। आप ना जीजा जी की हर गलत बात में हाँ में हाँ मिलाते रहते। छिंटू जी ये बात बिल्कुल गलत हो रही है अभी। हाँ कोई गलत ना हो रही है, बिल्कुल सही बात है ये। आप ना थाली के बैंगन हैं, कहीं भी लुढ़क जाते हैं। कायदे से ये बात बिल्कुल सही है, ये आदमी थाली का बैंगन है। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आपको बैंगन पसंद है ना। हाँ ना वो तो तूने बिल्कुल सही कहा मंगीलाल, पिंकी जी को बैंगन पसंद है, पर जिस संदर्भ में आप बैंगन का शब्द यूज करें ना वो बिल्कुल अच्छी लग रही, सही ना वो। बिल्कुल सही है। कहाँ से सही है, कौन सा क्या नहीं किया पिंकी जी ने आपके लिए? करू उस दिन दाल में इतना नमक था मैं खा नहीं पाई। हाँ और, तो, और वो गला कौन सा गला, उसका गला गोल बोला था आपने कैसा बना दिया ना, आप भूल गए, आप रात में कह रही थी कि मेरा गला एकदम गोल बनाना ऐसे नेकलेस जैसा इसलिए बनाया था पिंकी। अरे चिड्डो क्यों बुलाया हमें यहाँ, पहले तुम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, मेरे तो भागे फूट गए। अब तो हमें लग रहा है कि हमारे भाग फूट गए। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पापा कहाँ रह गए, हर रात को सोने से पहले मुझे देखने आते हैं जरूर। क्या हो गया है बेटा तुझे, इसके चेहरे की रौनक बिल्कुल चली गई। बेटा घर कितना सूना लग रहा है पता है तुझे, क्यों कर रही है ऐसा, क्यों पत्ते खेल रही है, क्यों दारू पी रही है, तेरे पापा को बिल्कुल भी अच्छा ना लगता। क्यों दिल दुखा रही है अपने पापा का, मत कर बेटा ऐसा मत कर, चल आराम से सो जा, सुबह मिलूंगा है। लिखा हुआ है जितने भी लिखा है कमाल। अरे सन सुन तुझे तो आदत है रात में दूसरों के घर में घुसेगा तो जागता रहता है, लेकिन मुझे तो सुबह दुकान खोलनी है, चल जा यहां से चल बात। जीजा दो मिनट मुंह में गुड़ लग के बात कर लिया कर, हर वक्त भागड़ बिल्ला बना घूमता रहता है इसे कसम से। चटंकी भैया तुम्हें ना किसी की परवाह करने की कोई जरूरत ना है, तुम अपनी जीजी के घर पे हो किसी पड़ोसी के घर पे नहीं। यही तो चाहता ही है कि इस घर पे ये राज करे और हम बाहर गली में बैठ के एकदम चटाई लगा लें और वहीं सो जाएं। देखो जीजी कर दी ना इसने छोटी बात, अरे आंगन में चटाई बिछा लियो वहां लेट गई हो। ईमानदारी के जब चार पैसे कमा के लाएगा ना
तब तुझे इस बिस्तर पे मैं बैठने दूंगा। भाग यहां से, चल 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 चल, भाग भाग। छटंगी भैया कह दो इनसे कि पैसा ही सब कुछ ना होता। ना जी जी, ऐसा झूठ मुझसे ना बोला जाएगा, साफ सी बात है। छटंगी भैया मैंने तो भाग ही फूट गया। अरे जी जी, तू कैसी बातें कर रही है पगली है? अभी तेरा भैया जिंदा है, वो कमा के खिलाएगा तुझे। बस 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 बस, बस मेरा एक बार काम लगने दे। काम की क्या कमी है तुझे? बाहर ना मिले काम तो अपने घर में हाथ साफ कर ली हो तू। छटंकी भैया कह दो इनसे जिसकी सोच ही इतनी खराब हो उसका कुछ नहीं हो सकता। अरे तो खराब सोच वाले को तूने अपने घर में क्यों टिका रखा है? कह दे इससे अपने चमगादड़ जैसे पंख फैलाए और उड़ जाए यहाँ से। छटंकी भैया कह दो इनसे कि तुम कहीं नहीं जाने वाले, जिनको तुमसे तकलीफ हो वो खुद चले जाए यहाँ से। अरे पता ना कौन से मुहूर्त में शादी की मैंने इससे। याद है छटंकी भैया हमारी शादी के दिन कितनी बिजली कड़क रही थी? उसी दिन अगर मैं भगवान का इशारा समझ लेती ना कि ये शादी ना करो तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बस यही हो यहाँ से, तुम दोनों बैठ गए यही कीर्तन करो, मैं जा रहा हूँ इलायची के कमरे में सोने। छटंगी तेरा तकिया दे दी मुझे। तकिया? हाँ। अच्छा ले भैया तकिया। जा रहा हूँ, समझ रही है? ले ले बच्चा मैं ले। जो पिएगा दोनों भाई बहनों ने मेरी जान का रखी है। अगर इलायची ना होती इस घर में तो मैं कब का जो है यमुना नदी में उतर चुका होता। देखो कितने आराम से सो रही है ये इलायची। बेटा मैं भी यहां सो जाऊं है? ये इतनी रात को इलायची कहाँ चली गई? मेरी इलायची अब आवारा गर्दी कर रही है। अभी ना पूछूंगा, पहले मैं टंटन से पूछता हूँ कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रही है। जीजा जी, करू बता रही थी कि इलायची वो आपके नौकर के साथ छत पर डिस्को डांस कर रही थी। अब एक ही लड़की है आपकी, उस पर ध्यान ना देंगे तो इतने पैसे कमा के क्या फायदा? टिड्डो, करू ने ये ना बताया कि घर में जो क्लेश चल रही है उसकी वजह से उसने ये कदम उठाया है। अब पूछ इनसे, घर में क्या मैं दीवारों से झगड़ा करती हूँ? इनको भी तो सोचना चाहिए, जवान लड़की के सामने कुछ भी अनशंड बकते हैं। बेचारी करू कितना सहेगी वो, आपको भी तो कुछ समझना चाहिए ना। क्यों 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 समझे हैं? क्यों समझे? क्यों हमेशा मर्द ही त्याग का देवता बने ना। अब पिंकी जी खुद ये देवता बने बने अब थक गए एकदम। अच्छा हाँ। आप तो ना हमारा मुंह ही मत खुलाइए, पूरा दिन यहाँ थाने में बैठ कर टाइम पास करते रहते हैं और घर आकर दो घड़ी सुख की बात करने की जगह वो सूखी पकौड़ी बना के खिलाते हमें। छोटो झूठ नहीं बोलना है कि तुम, पिंकी जी ने आज तक तुम्हें सूखे पकौड़े ना खिलाए, हमेशा साथ में पुदीने की चटनी दी है। हाँ तेरी चटनी कब बनेगी बे? साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मतलब लहसुन और मिर्ची की चटनी ना बनाए बहुत दिन से आप। अगले हफ्ते बना देंगे बंगीलाल। अरे दरोगा जी हाँ, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। इन औरतों के सामने अगर अपना कलेजा भी काट कर रखो ना तो ये पूछेंगी बासी है या ताजी है। पूछ इनसे ये जो बिना बात के ताने मार मार के हमारा खून सुखाते उसका क्या? अरे मेरे तानों का कुछ असर होता तो आज लाई थी ऐसे हाथ से ना निकल गई होती। जीजा जी हाँ, करुणा अकेली ना है, हम उसके साथ खड़े। अच्छा सेठ जी हाँ, आप भी अकेले ना इस तरफ, पिंकी जी आपके पीछे खड़े हैं ऐसे। हाँ ओ हाँ? ये दरोगा गिरी हमें ना दिखाइए, लगता है भूल गए हमारे भाई मन्नू वकील है, अब तो लगता है वो ही आपसे निपटेंगे। पिंकी जी को धमकी दे रही हो? पर आपने इन चार लोगों में हमारी कम बेइज्जती ना करी है, अब तो ना मन्नू भैया आपको तलाक के कागजात ही भेजेंगे, जा रहे हम। हेलो मनु भैया। अरे सेठ जी आपकी गृहस्थी की नैया पत्नी डूबने वाली है कि तर जाएगी, पर पिंकी जी की गृहस्थी जरूर डूबने वाली है। अरे छिड्डो